इसमें सबसे ज्यादा जो आज आश्चर्यचकित एक बात हमने देखी चलान में, जो 124A जो इन्होंने जोड़ी है उसमें इस केस से किसी तरह का कोई लिंक कहीं जुड़ता नहीं है। जो 124A है देशद्रोह सेक्शन, अब पहले ये कहते थे कि कुरान की बेइज्जती हुई है, उसमें एक वो झूठा सारा का सारा इनको कोई प्रूफ नहीं मिला और जो बेल ऑर्डर हुआ उसमें भी मेंशन हुआ। आज इन्होंने चलान में एक और नई सेक्शन जोड़ दी, मतलब आज तो ये हो रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। कि केस अगर मान लीजिए बेइज्जती का है तो ये वहाँ मर्डर की धारा भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें हो गया है कि केस किसी और धाराओं से बना हुआ है और चलान पेश करते करते इन्होंने उसको देशद्रोह का सेक्शन दे दिया। तो उसमें हमारा बेल हो गई थी, संगरूर कोर्ट से बेल हो गई थी और उसकी श्योरिटी भी हमने दे दी और नेक्स्ट डेट ऑफ कितना कौन होगा सीमा जी हमारे एडवोकेट हैं इस केस में, चालीस हज़ार चालीस हज़ार ये किसके कहने पे हो रहा है सारा कुछ जो आपने देखो इसमें बिल्कुल क्लियर कट बात है, इसमें कोई वो नहीं है। पंजाब की सारी जनता इस बात को महसूस कर रही है, ये जो बादल सरकार है यही सारा का सारा पूरा का पूरा षड्यंत्र रच रही है। और अभी जैसे इसी केस में ही दो बार फंसाने की कोशिश हो गई है और आने वाले टाइमों में पता नहीं है कि और भी किसी केस में कोई और धारा भी लगा सकते हैं, इनका कोई भरोसा तो नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे जैसे शेखो साहब हैं या चीमा जी हैं, करण जी हैं, मुझे तो अब आगे का अंदेशा ये है कि इनको भी किसी ना किसी केस में ये लोग फंसाएंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो बादल सरकार है इसी का ही सारा का सारा षड्यंत्र चल रहा है। आम लोग मिलते हैं, सारे लोग मलेरकोटला में हमारे साथ हैं, आज भी हमसे मुलाकात करी है, लोगों ने कहा है जी ये तीन चार महीने में इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज पूरा मलेरकोटला पूरा पंजाब आप लोगों के साथ हैं। लोग आके हमारे लिए मतलब इस बात का दुख प्रकट करते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब लोग आके मिले हम लोग। इस तरह पार्टी में लड़ाई की बातें अफवाह उड़ रही हैं, क्या कहना है क्या इससे? देखो ऐसा है, ये जो आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे और जो मुझे टिकट मिली और जिस के खिलाफ एक प्रत्याशी थे जिनके खिलाफ कुछ चीज़ें निकली थी पार्टी ने, तो उसका टिकट रिमूव कर दिया और दूसरे को दे दी। उसने बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि पार्टी ने टिकटें बेच दी, पार्टी पैसा ले रही है, ये ले रही है। आप दिल्ली की उस समय की न्यूज़ देखो और उसके बाद भी हमें 67 सीट्स मिली। तो ये जितना भी इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है ना, ये अपोजिशन पार्टीज़ करती है और ये होता है इलेक्शन के दौरान। लेकिन पंजाब की आम जनता हमारे साथ है, हमारी सच्चाई को समझते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग हैं, पूरे पंजाब के डेवलपमेंट के लिए हम लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में एक मॉडल पेश किया है, वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम आप देखिए, वहाँ पे स्वास्थ्य का सिस्टम आप देखिए, पूरा का पूरा वहाँ पे करप्शन आज बिल्कुल लगभग खत्म हो गया है। तो उस तरह का मॉडल पंजाब के लिए भी वो पेश करेंगे और पूरा का पूरा आप जैसे जितने हमारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं, अब ये सारा का सारा पूरा का पूरा माहौल अब आने वाले टाइम में अगले एक महीने के अंदर आप देखना बिल्कुल पलटा हुआ नज़र आएगा। पंजाब से चौथा फ्रंट पैदा हो रहे हैं और कितना कैसे समझो आम आदमी पार्टी के पहले सिद्धू जी छोटे नाल गलबात चल रही है, कितना कैसे समझो? देखो हमें तो ये लग रहा है कि ये जैसे ये इन्हीं अपोजिशन वालों की एक साजिश लग रही है कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से ये पीछे धकेले, और जितना ये धकेलने की कोशिश कर रहे हैं हम उतना ही ऊपर उठ के आ रहे हैं। आप देख रहे हो पंजाब में कैसी अभी आप ये मोगा की हमारा जो किसान मैनिफेस्टो लॉन्च वाली जो ऐतिहासिक रैली जो हुई है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे मैं आया हूँ तो लोगों ने बताया कि अब तक की सबसे बड़ी एक रैली हुई है। तो इससे एक मैसेज जाता है, इससे लोगों को पता चलता है कि इस चीज़ का कोई असर नहीं है जिस तरह से ये लोग आप फोर्थ फ्रंट बना रहे हैं। आप ये बताओ इसमें फोर्थ फ्रंट में कितने तरह तरह के लोग हैं, मुझे मालूम है मैं यहाँ 1.5 साल से लगा हुआ हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे और आज वो कह रहे हैं जी हम लोग आपस में एक हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है? अभी थोड़े दिनों में देखना इनकी लड़ाइयाँ भी यहाँ रोड पे आपको दिखेगी और आप लोग कवर करेंगे। छोटे पुर ने सिद्धू की मुख्यमंत्रीशिप का विरोध किया था। देखो अब इन्होंने चौथे फ्रंट में क्या इनका चल रहा है घपला, वो अपना आने वाले टाइम में आपको अभी पता चल जाएगा। एक महीने में देखना इनकी आपस में लड़ाइयाँ ना हो तो गारंटी है, क्योंकि ये लोग एक तालमेल के लोग नहीं है। इन लोगों के पॉलिटिकल स्वार्थ है, इन लोगों का स्वार्थ ये नहीं है कि पंजाब की डेवलपमेंट करनी है, और पंजाब की जो डेवलपमेंट करेगी तो वो आम आदमी पार्टी करेगी जिस तरह से दिल्ली में कर रहे हैं। उसके खिलाफ कमेटी कब तक?
वो चल रहा है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, उसमें दूसरे लोग हैं तो ये चौथा फ्रंट अकाली भाजपा की बी टीम है, ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल बी टीम है। आप देखो आज जो सिद्धू जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक शब्द भी उन्होंने मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोला, उसमें आम आदमी के अगेंस्ट बोल रहे हैं या फिर वो कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो इससे बिल्कुल क्लियर कट है। दिल्ली में मलेरिया चिकनगुनिया का प्रकोप, देखो लीडर हमारे गायब रहे, दिल्ली नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अपने थ्रोट के लिए ऑपरेशन के लिए गए थे, और हमारे जो मनीष सिसोदिया जी है जिसका बहुत पहले से एक प्लान बना हुआ था, आज का नहीं था, वो बहुत पहले से प्लान बना हुआ था कि एजुकेशन में आज उन्होंने दिल्ली में क्रांति ला दी है, इस बात से वो लोग बेचैन है, तो वो अपने एजुकेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री वहीं थे, स्वास्थ्य मंत्री एक एक दिन में एक एक रात में सात सात हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं। आप उन्होंने अगर जो हमारे एलजी साहब ने एक ऑर्डर दे दिया मनीष जी के लिए, तो सबसे पहले तो उनको स्वास्थ्य मंत्री वहाँ मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री मिलने जा रहे हैं उनसे और वो उनसे मिल नहीं रहे हैं, तो इसमें बताइए वो एजुकेशन में लगे हैं, स्वास्थ्य मंत्री पूरी दिल्ली को ठीक करने में लगे हैं, एक एक हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि स्वास्थ्य मंत्री से तो मिल नहीं रहे हैं और मनीष जी को वो आदेश दे रहे हैं कि भाई आप वापस आ जाओ, तो ये बातें मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, पब्लिक समझती है, समझदार है कि स्वास्थ्य मंत्री का काम है सारे स्वास्थ्य पे काम करना। और चिकनगुनिया और इस डेंगू के लिए भी मैं कह देता हूँ, दिल्ली में जितनी भी साफ सफाई है हमारी वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है, वो एमसीडी के अंडर है और वहाँ पे भाजपा की सरकार है, एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है, और आज दिल्ली का कूड़े में या इस तरह का जो गंदगी में ना बहुत बुरा हाल है, हम लोगों को दुख होता है, अपने एरिया में जाते हैं हम लोग, जाके लोगों को बताते हैं कि ये सफाई के जितने भी कर्मचारी है, सफाई का काम है, ये सारे का सारा बीजेपी के अंडर ही है। तो आज प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं और दिल्ली को ही इन्होंने बिल्कुल सफाई के मामले में, आप एजुकेशन के मामले में देखोगे नंबर वन, आप स्वास्थ्य के मामले में हॉस्पिटल्स में देखोगे नंबर वन, आज जो हमारे जो पॉली क्लिनिक है उन्हीं से चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों का इलाज हो रहा है, वहाँ जा पा रहे हैं लोग, नहीं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल है उनका हाल देखो, एम्स और उसका हाल देखो, आप सदरजंग हॉस्पिटल का क्या हाल है, तो आप उस चीज़ को मैं तो आपको इन्वाइट करूँगा कि एक बार आप दिल्ली भी आओ हमारे साथ में, वो चीज़ कवर करो, उनकी भी चीज़ दिखाओ हमारी भी चीज़ दिखाओ, जिससे कि जनता को एक क्लियर कट मैसेज आए। मान साहब ने लोकसभा में इन्वाइट किया तो उनको निकाल दिया नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैं तो आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं एक विधानसभा मैरुली विधानसभा से विधायक हूँ, मैं तो आप वहाँ गया देखिए किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, मैं तो बल्कि पंजाब की जनता को भी कहूँगा कि जब वो अगर दिल्ली में आती है तो हमारे जैसे विधायकों के ऑफिस में आए और हम उनको दिखाएं कि क्या डेवलपमेंट यहाँ दिल्ली में चल रही है, जिससे कि वो अंदाजा लगाए कि आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी किस तरह से पंजाब को बिल्कुल बदलने वाली है।